करेंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर, अथिक करेंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करेंट आई, कैरिंग अ करेंट आई इन फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन. द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज रिप्रेजेंटेड बाई. चलिए जरा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सॉलिड सिलेंडर का भी केसेस को बोलते हैं. एक वायर है, सपोज करिए आप ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए एक सॉलिड सिलेंडर की तरह. एक थिक वायर की बात कर रहा है तो इसको सॉलिड सिलेंडर की तरह हम बना सकते हैं ऐसे. और ये इनफाइनाइट को जा रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है ऐसे, इनफाइनाइट को, राइट. और ये इसका एक्सिस हम ऐसे बना सकते हैं. अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ यहाँ से आर डिस्टेंस जो आउटर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर मैं एक लूप ले लूँ जिसको एम्पेरियन लूप भी अपन लोग बोलते हैं, ऐसा लूप ले लूँ और ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ये केस वन लिख दूँ, केस वन जो आउटसाइड है, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड. तो हम लिख सकते हैं क्या आउटसाइड बोले तो, मैं लिख सकता हूँ आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ. तो मैं लिख सकता हूँ क्या बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना बोली, मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना म्यू नॉट सम ऑफ आई, ठीक है. अब बी डी एल को छोटा 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 ऐसे लिए तो कितना आएगा, टू पाई आर, टू पाई आर, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट और आई की जगह मैं क्या लिखूँगा, आई ही करंट, आई फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो बी आउट की वैल्यू कितनी आ गई, बी आउट की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ. और मैं ये बात बोल सकता हूँ यहाँ से कि बी आउट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर के, ये बात मैं बोल सकता हूँ, ओके, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा, ठीक है. इधर बाहर के ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ये बी और ये आर, तो ये बनाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आर इक्वल टू कैपिटल आर पे. अब केस टू देखते हैं, केस टू क्या कहता है, केस टू देखिए इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड. तो इनसाइड अगर मैं एक छोटा सा इसे बना लूँ, ठीक है, इनसाइड में इसकी रेडियस मैं आर मान लूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ केस टू के लिए फिर से वही काम, इसमें लिख सकता हूँ कि आर इज लेस देन कैपिटल आर, या लिख सकते हैं इधर इनसाइड, ठीक है. तो लिख सकते हैं, बोलिए, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ई आई, ठीक है, सॉरी अब ये समेशन ऑफ आई, ओके. या फिर लिख सकते हैं इसको क्या, बी और डी एल की वैल्यू लिख सकते हैं टू पाई आर म्यू नॉट. अब सम ऑफ आई की बात करें तो यहाँ पे आई ना होकर के आई डैश होगा, आई डैश होगा क्यों होगा, देखें जरा, मुझे तो बस इतने में निकालना ना स्मॉल आर पे. तो देखिए क्या लिख सकते हैं, पूरे के लिए इधर किनारे लिखना पड़ेगा, पूरे के लिए जो करंट फ्लो कर रही है वो कितना है, देखें जरा समझें, आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर में जो करंट फ्लो कर रही थी वो आई थी, तो वन में कितना पाई आई बाई पाई आर स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं वन के लिए कितना आई बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में करंट कितना, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये करंट फ्लो करेगी, आई डैश की वैल्यू होगी, ये लिख सकते हैं यहाँ पे आई बाई पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे आप हम यहाँ पे. तो रख लीजिए आई की जगह पे, आई डैश की जगह आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कितना कैपिटल आर स्क्वायर. या बी इनसाइड में लिख सकता हूँ क्या, बी इनसाइड लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई कितना टू पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से कट गया तो बचा कितना, बचा कितना बच्चों म्यू नॉट आई आर बाई टू पाई आर स्क्वायर, ये बी इन की वैल्यू आ गई, राइट. बी इन और बी आउट, तो बी इन में देखें हम क्या लिख सकते हैं, बी इन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर के. तो ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ बी और आर के लिए तो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर और यहाँ पे आर इज लेस देन कैपिटल आर और यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, देखें जरा
तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ के बाद से ये कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ओके।